ओ वाचक है ढूंढी पाई ओ या दुनिया आवा हकम मन कैसे जब बात समझ में आई ओ मुर्गी आई गंदा पने बीज आया खेड अनपढ़ आदमी की कविता है इस तभी तो सुनना नहीं समझ में आ जाएगा पने के दादा ने कहे सारी उत्पत्ति बीज से ही है और बना जो जीव है जीव बीज के अंदर ही होता है और कहीं नहीं होता निवड़े दिया गेहूं बोवा है गेहूं में भी जीव से निवड़े सह पर सुसुप्त अवस्था में है जब बो देंगे उतना जल उतनी गर्मी में लगी टक दे ही चेतन हो जाएगा सुसुप्त से चेतन हो जाएगा टक दे ही सफेद सफेद निकलेगा और धीरे धीरे पोत देगा रूप लेगा और वापिस अपने अंदर से फिर बीज उगल देगा बोल सतगुरुदेव भगवान ये प्रक्रिया है निवड़ा मारा पीस कड़ा था निवड़ा बापू का मां बापू का कड़ा था बड़ा चाचा का मां जैसे पोता पीस से जीव चेतन होया जीव ने खुद को सामर्थ किया वापिस अपने अंदर से पीस बोल दिया और बीज को हमेशा छुपाया ही जाता है क्यों सत्संग बाजरा कंबो क्या हमें छुपाए दिया ना और छोटे छोटे आम पाड़ जाते जब निकल तेरा राम न चढ़ दी कि नहीं सब मगा नहीं लग हो गई अरे माँ सत्या मजदूर जमावा के लोगों में चार गुदड़े गिरती में आए माँ गुदड़े क्या दिखे रहे नहीं बोली भाई सब मगो नहीं सब मगे जब गाजे पर डकी होगी माँ के कर्म में भी छुपाया जाता है पहले के लिए क्या कहा है शकल बनाई ना उसकी शकल बनाई नहीं होती
ससुर बजाय नाम दिया धन्यवाद निभाइयो तुम भी बीज सभी मान लो सही बात है तुम संस्कृति का बीज हो ना तो थोड़े मानस लग नहीं जो सत्संग सुन लिया तो वो सुनो लंगड़ा के ब्याह दिए उनका कथा तो ये देखो खानदानी घर रह रहा है जिनके संस्कार जिंदा है और मन को बीज बीज बचारी जो बीज नाश नहीं होना चाहिए लंग नहीं जाने काम ना बोल सतगुरु ने बोल क्या बोल इतने सुन लिया बच्चे जो बीज से फेर बोल जाने फेर सामने आऊंगा निबले पुतला तैयार हो है जैसे इस्लाम कहता है हम आदम की संतान है इसलिए हम आदमी है ये सनातनी कहता है मनु की संतान है इसलिए हम मनुष्य है निबले ऐसा पुतला तैयार हो है वो क्या तैयार हो है निबले मट्टी से तैयार हो क्या इसी मट्टी करे है निबले माँ के गर्भ में है माँ के गर्भ में जीव कैसे तैयार होता है और उसके अंदर की प्रोग्रामिंग कैसे सेट होती है दूसरी करीम दाता ने क्या लिखा है शुरू कर देना सही ये ऐसी तृष्णा है हमें कह दिए नहीं के करे यार अगर दाल रोटी का प्रबंध होते ही खुद की सदगति का विचार जरूर कर लेना चाहिए या तृष्णा ऐसी है हमें कहेगी नहीं फर्स्ट आएंगे नहीं हारना जरूर है मर्जी आपकी है और दादानी कैसे देखो भाई बोले सब कहेगा कोटा है दुनिया में कोटा के क्या हो आदमी और मेरी बुद्धि
मेरा काम, मेरा क्रोध, मेरा लोभ, मेरा मोह, मेरा अहंकार, मेरी बुद्धि, मेरा विवेक, मेरी ताकत, मेरा ब्लड, मेरी हड्डी, जितनी मेरी ऊर्जा, जितनी है मेरे भीतर है, सब की सब का भीतर है भाई। जो मेरा कोटा है मेरे भीतर, राम ने दे के भेज रखा है। और वह जीत तो उड़े होगी जरा तुम दे चोला था क्या बात कर तुम, या जीत होगी समझ लो। और गरीब कौन है? धनमान से कोई गरीब नहीं है, जिसके सारे अंग पूरे हैं, आंख नाक कान मुंह, और जो धरती का एक पदार्थ खा सकता है वो अमीर है। वो तो करोड़पति है, दूध बंद है, करोड़पति है, मीठा दूध है, घी बंद है, मेरी फिक्की बनवाइयो डॉक्टर ना जी। जो स्वस्थ है, पूरे अंग है, धरती का हर एक पदार्थ खा सकता है, वाक्य मोर रही है। और निर्मला भाई और नाज का भी कोटा है, कह नहीं है, अरे सुरसों के मार खा बे सांस सांस ले दाना खाता ना एक मतलब अपने कोटे। उस मालिक ने कोटा लाया, उस मालिक ने कोटा लाया, संसार को कहा पोता। आई बात का अगले जन्म से करा हुआ मारा जीव का आत्मा का निर्या मरती नहीं, ये रूप बदलती रहती है। आत्मा को 84 लाख योनियों का बोध है, जिस पुत्र लगी नहीं उसे के गुण धर्म जागृत हो गया। ये मानस वाली में गल रही है तो ये गुण धर्म जागृत हो रही है, घटे वाले में गल जाएगी तो वे गुण धर्म आ जाएंगे। बोले खाने लिए तो करांगे सामान दो मांगे कोई भाई, सांप पड़ेंगे तो पिल मरांगे, मौज लेंगे तले तो अंडरग्राउंड। उस मालिक ने ठीक है।
चमकती चोरी है। बल में पहाड़ का चूरा करके बल में सच्चा मोती है। बल में जलथल करे कि दुनिया झगड़े होती है। Oh,